इंडेक्स इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस वर्ल्ड के बारे में। साल 2017 को मिस वर्ल्ड भारत की मानसी छिल्लर, इस साल की नई मिस वर्ल्ड मेक्सिको की वेनेसा पोसे डी लियोन को ताज पहनाई है। जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात है कि चीन के सानिया शहर में मिस वर्ल्ड के खिताब की घोषणा की गई। फाइनल राउंड में वेनेसा से सवाल पूछा गया कि मिस वर्ल्ड बनने पर वे किस तरह दूसरों की मदद करेगी। इसके बाद जवाब में वेनेसा ने कहा कि मैं अपने पद का उसी तरह इस्तेमाल करूंगी जैसे पिछले 3 साल से करती आ रही हूँ। हमें सभी का ध्यान रखना चाहिए, प्यार करना चाहिए, किसी की मदद करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप जब भी कभी बाहर जाएं तो कोई ना कोई जरूर होगा जिसे आपकी मदद की जरूरत होगी, तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहें। 26 साल की वेनेसा मेक्सिको के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहला महिला है। वेनेसा का जन्म मेक्सिको के मुआनुजुआटू शहर में हुआ है। वेनेसा का कद 174 सेंटीमीटर है। उन्होंने इसी साल मई में मिस मेक्सिको का खिताब भी जीता था। वेनेसा को अंग्रेजी और स्पेनिश भाषाएं आती है। खाली वक्त में उन्हें आउटडोर में गेम खेलना पसंद है। वेनेसा लड़कियों की पुनर्वास के लिए काम करने वाली एक संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं। भारत की तरफ से इस बार मिस इंडिया 2018 अनुकृति वास में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वे टॉप 30 में पहुंचने में कामयाब रही, लेकिन इसके बाद उनका सफर थम गया। पिछले साल मानुषी छिल्लर ने 17 साल के अंतराल के बाद भारत को मिस वर्ल्ड खिताब जिताया था। उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा उन्होंने मानवाधिकार में भी डिप्लोमा लिया है। वेनेसा नेनमी नामक एक स्कूल में भी वह काम करती है। इस स्कूल में आदिवासी इलाकों के बच्चों को अलग अलग संस्कृतियों की शिक्षा दी जाती है। वेनेसा को वॉलीबॉल खेलना बेहद ही पसंद है। साथ ही उन्होंने स्कूबा डाइविंग में भी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और वो बहुत ही नरम दिल की हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।